हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा के मारतंड स्कूल क्रमांक 2 के प्राचार्य अमरेश सिंह के ऊपर निलंबन के गाज गिरी है। यह कार्रवाई अमरेश सिंह और स्कूल के छात्रा के बीच बातचीत के ऑडियो वायरल भये के बाद कीन गए। वहाँ मामला माही आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय जांच रिपोर्ट मांगे रहे, जहां रिपोर्ट के आधार माही प्राचार्य का निलंबित कई दिन गह भय। बुलेटिन की अगली खबर सिगरौली से है, जहां के एनटीपीसी सिगरौली शक्तिनगर संजीवनी चिकित्सालय माही चिकित्सा के बेहतरीन सुविधा मिले एक एक खातिर एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। ACLS एम्बुलेंस के उद्घाटन मुख्य अतिथि बासुराज गोस्वामी मुख्य महाप्रबंधक NTPC सिगरौली करें। अपने संबोधन में ही चिकित्सा सुविधा का मजबूत बनावे खातिर अस्पताल का बधाई दीन। हमारा NTPC कॉर्पोरेट सेंटर से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस मुताबिक हमारा पास एक ACLS मतलब एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस आया है। ये हमारा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बहुत डेवलप करेगा। हम लोग और भी सबको अच्छा मेडिकल सुविधा दे पाएंगे। ऐसा एम्बुलेंस शायद यह जोन में पहला टाइम आया है जिसमें इतना एडवांस सपोर्ट है, इंक्लूडिंग सब कार्डियक सपोर्ट इसमें अवेलेबल है। इसके लिए हमारा संजीवनी हॉस्पिटल और भी अच्छा तरीका से NTPC एम्प्लॉय को और बाहर का जितना डिपेंडेंट है ये हॉस्पिटल का ऊपर, सबको अच्छा सपोर्ट दे पाएगा। सिगरौली के विधायक रामलल्लू बैस के अथक प्रयास के यह फल रहा कि मध्य प्रदेश शिवराज सरकार 648 करोड़ रुपया के रिहंद माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट का मंजूर कर दीन ही बे। अब यह प्रोजेक्ट के पूर्व होए से सिंगरौली के हजारन किसानन और कृषि क्षेत्र का ही संजीवनी के नाई काम करी। ये बात सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस मंगलवार का बैढ़न के कार्यालय में ही पत्रकारन का बताई। सिंगरौली जिले के लिए कह लीजिए प्रदेश के एसोसिएट मुख्यमंत्री जी, कई वर्षों से हमारी रिहंड माइक्रो सिंचाई का DPR लंबित था, जिसे आज कैबिनेट के माध्यम स्वीकृति प्रदान की गई। मैं प्रदेश के एसोसिएट मुख्यमंत्री को सिगरौली की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यही नहीं, उन्होंने किसानों के प्रति जो संवेदनशीलता के साथ कृषि को आय को दुगुना करने के दृष्टिकोण से 2 साल के कार्यकाल चौथी बार में उन्होंने सिगरौली के लिए बहुत बहुत सौ बातें दी है। चाहे मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो, चाहे माइनिंग कॉलेज की बात हो, चाहे रेहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की बात, ये एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। और आज सिगरौली के इतिहास में सिगरौली वासियों के हित में लिए गए कदम को सराहनीय है। बुलेटिन की अगली खबर शहडोल से है, जहां शहर के बीचों बीच नथमल सरावगी पेट्रोल पंप में बड़ा हादसा होत होत बचेगा। अपने बताई दी कि यहां 2 युवक बोतल में पेट्रोल भर के आगे लगावे के खातिर पेट्रोल पंप में बोतल का फेंक दिन। आगे कोनो बड़ा रूप ले पावत, उसे पहले वहां रहे युवक तत्परता से पानी डाल के आगे का बुझा दिन। वहां पेट्रोल पंप में लगे CCTV फुटेज के आधार में ही आरोपी के पहचान कर ली गई है। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां के सड़क माही दिग्विजय सिंह के खिलाफ गुस्सा देखने का मिला। अपने बताया कि भाजयुमो प्रदर्शन करें और मुकदमा दर्ज कराए के मांग करें। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मां प्रदेश के माहौल का खराब कराए के आरोप भाजयुमो कार्यकर्ता लगाएं, जिसके बाद उन पर FIR कराए के ज्ञापन सौंपी। बिगाड़ने की कोशिश की गई है, जिसका युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में विरोध करता है और पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जिलों में FIR दर्ज कराने का आह्वान है हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय वैभव पवार जी द्वारा। तो हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज ये आपको ज्ञापन के रूप में FIR दर्ज कराने की। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है, जहां के रीवा संसदीय क्षेत्र के BJP सांसद जनार्दन मिश्रा के एक दरकीपुन के बिगड़ा बोल सौहे आबा। जनार्दन मिश्रा सभा का संबोधित कई के राजनीति चमकावे खातिर कलेक्टर का थप्पड़ जड़े के बात कही दिन।
सांसद कहिन कि पहले के जमाने में ही हमहू इंतजार कर रहन कि कब कलेक्टर से मुलाकात होए और उनका थप्पड़ जड़ के अपने राजनीति के शुरुआत कैलिन जाए। बतावा जात हबै कि शहर के राज कपूर ऑडिटोरियम में ही भगवा शरण माथुर के जयंती समारोह के आयोजन कीन गा रहा हबै, जहां सांसद ई अमेर के बयान दहिन। और जहां तक मेरा सवाल है, तो मैंने तो अपना बता दिया कि उन्होंने कहा कि और मैं तो उनके किस्म का आदमी था और हम लोग को ये मानते थे कि कलेक्टर को अगर एक तमाचा मार दिया जाए तो साल भर की नेतागिरी, दो साल की नेतागिरी पक्की हो जाती थी और ताके रहते थे कि किस कलेक्टर को मार देना है, एक तमाचा है। ये हम लोगों का नहीं काम था और अक्सर मौका मिल जाता था किसी कलेक्टर को काल पकड़ लेना, किसी को तमाचा मार देना, किसी को कमिश्नर को किसी से नोक विद्रोह जितना है उपयोग नहीं करना, इसलिए तुम्हारा टेरर कायम है लेकिन अब किसी कलेक्टर को मारना नहीं। एक फंस गया हाल हाथी पहचान था, वो बहुत तीन फंसे फंसी थी, वो 2003 का चुनाव हुआ, मातुमदार चले गए, शंकर मंत्री नहीं थे, पंचायत का चुनाव था, वो ऐसा जगह फंसा कि हमको लगा कि वो केशव पांडे जी हमारे अध्यक्ष थे, तो लगा कि अब पुराना शुरू हो जाएगा और करीब करीब शुरू हो चुका था, हम खड़े हो गए थे, वो भी खड़ा हो गया था हमारा हाथ इस तरह से। तो फिर पांडे जी का टेलीफोन आया, फिर पांडे जी के माधु साहब को लगता है कहा होगा, माधु साहब का टेलीफोन आया, प्रभारी मंत्री का टेलीफोन आया, वो उमा शंकर गुप्ता थे, तो माधु साहब ने कहा कि तुमने अभी शुरू पहले जो ट्रेनिंग लिया था वो खत्म कर दिया क्या, तब मैंने ये खत्म किए देते हैं। तो इस तरह से हमको तराशने में मैं भाजपा का की रीत नीत और उसकी कार्य पद्धति में ढलूं और जो ढल पाया उसका अगर मैं कहूं कि मेरे जीवन में दो महापुरुषों का एक यमुना प्रसाद शास्त्री जिनके सानिध्य में रह गए, मैंने उच्च आदर्शों पर जीवन जीने का को प्रत्यक्ष रूप से देखा, वो प्रभाव जीवन में आज तक है, कभी वो उसमें गिरावट आई है मैं तो उसको स्वीकार करता हूं कि आज की परिस्थिति आवाज जो शास्त्री जी जैसी निर्मलता मुझमें नहीं, गिरावट आई है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप उस विचारधारा को आगे बढ़ाकर बढ़ते हुए राजनीति करना है। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।